मकराना, भाजपा सिर्फ राम मंदिर का सहारा लेती है, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत। नागौर, मकराना। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के प्रत्याशी जाकिर हुसैन गैसावत के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मकराना के गणपति गार्डन में आयोजित जनसभा में विधानसभा क्षेत्र से काफी तादाद में लोग पहुंचे। अशोक गहलोत ने मंच पर पहुंचते ही संबोधन शुरू किया और अगले 15 मिनट तक लगातार सूबे की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि इन दोनों सरकारों के पास बीते 5 साल में जनता को दिखाने लायक कुछ है नहीं, इसलिए चुनाव आते ही इनको राम मंदिर का मुद्दा याद आ गया। लेकिन प्रदेश और देश का हिंदू अब इस पार्टी को समझ गया है, ये पार्टी अब एक्सपोज हो गई है कि ये धार्मिक इमोशनल कर और राम का नाम लेकर सिर्फ सत्ता में आने का लक्ष्य रखती है। उन्होंने इस दौरान भाजपा पर चुटकी भी ली कि भगवान राम इनको मिल जाए तो वे इनको सबक भी सिखा देंगे कि वो सिर्फ इनका नाम इस्तेमाल कर रही है। इस मौके पर मकराना सहित नागौर जिले भर के कांग्रेसी पदाधिकारी और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मोहन प्रकाश भी मौजूद रहे। इस मौके पर नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा लंबे अंतराल के बाद आज फिर कांग्रेस की सभा में दिखाई दी। गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राजे के इस मुख्यमंत्री कार्यकाल में प्रदेश में बजरी माफिया, खनन माफिया और जमीन माफियों का आतंक चरम पर रहा और जनता पूरी तरह परेशान रही, इसलिए इस बार चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में हर तरफ माहौल है। उन्होंने कहा कि जनता इस बार भारी मतों से कांग्रेस को जिताकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने वाली है। उन्होंने आम जन से कांग्रेस प्रत्याशी जाकिर हुसैन को जिताने की अपील की। मकराना से जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कि आप राम मंदिर जब जब चुनाव आते हैं तो आपको राम राम याद आते हैं और राम वास्तव कभी मिल गए इनको तो राम जो है इनकी ऐसी तैसी कर देंगे कि आपने मेरा नाम बहुत दुरुपयोग किया देश का। अब हिंदू समझ गया है इन चारों आने वाला नहीं है, धीरे धीरे पूरे एक्सपोर रहेंगे लोग तो कब तक राम का नाम लेकर के राजनीति करोगे। 5 साल की उपलब्धि बताओ और वोट मांगो सबको आपके पास। अंत में कहना चाहूंगा एक तरफ मोदी जी, अमित शाह जी आएंगे, सुषमा जी आएंगे, गुमराह कर पूरे प्रदेश में घूम करके वो खुद क्या बोलते हैं पंडित नेहरू के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, सोनिया जी के बारे में वो तो भूल जाओ। तो मोदी जी बड़े भाव मौके बोलते हैं मेरी माँ को क्या कह दिया, मेरे समाज को क्या कह दिया, मुझे क्या कह दिया। अरे भाई आप बताइए आप राजनीति को किस स्तर पर ले रहे हो देश के अंदर। आज तक के प्रधानमंत्री आने के बाद में ऐसे नहीं हुए होंगे जिस प्रकार से मोदी जी ने व्यवहार किया है, राजनीतिक रूप से जिस रूप में टिप्पणियां करी है, जिस रूप में देशवासियों को संदेश दिए मन की बात के माध्यम से, लोगों के मन की बात सुनने का वक्त आ गया है। अब आपको मैं आह्वान करूंगा कि आप लोग जाकिर हुसैन को बहुत भारी बहुमत जिताएं। हिंसा लोकतंत्र में किसी रूप में कभी स्वीकार हो ही नहीं सकती, ये राहुल जी का संदेश है देशवासियों को। और मैं कहना चाहूंगा आपको 50 दिन में मैं सब ठीक कर दूंगा, नहीं तो मैं चुनाव में खड़ा होंगे आप तो चाहो सजा मुझे दो लटका दो मुझे। और पूरे देश के हर चुनाव वाले इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री हमारे चुनाव में कब आएंगे पता नहीं कब आएंगे। हमें लटकाना नहीं, हमें खाली जवाब सवाल पूछना है, तो जवाब सवाल पूछना है। तो ये स्थिति है अरे भाई, तो ये स्थिति है देश के अंदर। चौकीदार चौकीदारों देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने से तब प्रत्यक्ष शब्द रहूंगा। चौकीदार जी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ये कहा। राहुल गांधी जी पहले सवाल पूछते रेफर पर 500 करोड़ का लड़ाकू विमान 1600 करोड़ में कैसे खरीद रहे हो, कोई जवाब नहीं उनका बिना प्रक्रिया के बिना टेंडर के। और वो बोल नहीं रहे हैं, इतना बड़ा घोटाला हो गया। अमित शाह जी के लड़के ने 50 लाख रुपये 3 महीने में 80 करोड़ कमा लिए। हम सब पूछ रहे राहुल जी पूछ रहे हैं, कोई जवाब नहीं है। तो मैंने कहा अभी मीटिंग है ना, भाई 50 लाख से 80 करोड़ कमाने वाले जो तरीका है वो देशवासियों को बता दे नौजवानों को, तो कम से कम अमित शाह की तरह की तरह कई लोग पैसा कमा सकते, तरीका उनके पास में है। मैंने भी कहा कि जादू हुआ तो जादूगर तो मैं खुद हूँ, वो कभी जादूगर बन गया।
जादू के वो तो बन गए हमेशा ही लगे, मुझे नहीं मालूम, मेरी तो मैंने जरूर की है बचपन के अंदर। तो मैं पूछता हूँ सबसे कि आपने हृदय पाए गली करप्शन की, आपके पास कोई 5 साल के कहने कुछ नहीं है, इसलिए आप अब राम मंदिर वहाँ पर लेके आ गए। मैंने कहा वर्ण आता नहीं है आपकी विदाई यात्रा, विदाई यात्रा। और कुछ लोगों ने काले झंडे दिखा दिए, चिर गई पुलिस को कहा मेरे सामने कोई काली चीज आनी नहीं चाहिए। मैंने कहा वसुल नहीं, बच्चा पहला आता तो माँ काला टीका लगाती है, नजर नहीं लग जाए। आप ये क्यों काले टीके से घबराती हो, आप घबराना नहीं चाहिए। पर हालत बड़ी खराब है, दुखलाट है, 5 साल में गायब रही वो, खाली धौलपुर दिल्ली धौलपुर घूमती रही, हवा कहने लगा चक्कर लगाए, कभी कभी जयपुर आ रही थी, और जनवरी मिली नहीं 5 साल तक, जनवरी मिली नहीं, कभी सेकेंड नंबर रुकी नहीं करी, बड़े बड़े महीने में रुकती या 5 सितार होटल में रुकी, जनता जाए तो जाएगा मिलने के लिए। मुख्यमंत्री मंत्री हमेशा सेकेंड नंबर रुकते हैं, आपको मालूम है, उनका पता परमानेंट होता है, वो नहीं रुकी। पर तो मैंने फोटो देखी, मेरी आधी झुक कर प्रणाम करी अमित शाह जी को, मैंने कहा कमाल हो गया, अगर ये 3-6 का आंकड़ा बीच में है वो जाने की 5 साल तक चलते, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, वसुंधरा जी ने, अमित शाह झुक के प्रणाम कर रही हो, तो माई बाप तो आप लोग हो, देखो जो आप लोग तय करते हो वो चुनाव जीतता है, जनता माई बाप है। इतनी अगर जनता के सामने झुकती वसुंधरा जी, आज राजस्थान के प्रति आक्रोश सकते हो, पर वहां तो उन्होंने घमंड दिखाया, अहम दिखाया, उसके साथ चली हो। मोदी जी का कहने क्या, अच्छे दिन का इंदिरा पूरा मुल्क कर रहा हूँ, कब आएंगे कोई पता नहीं, काला दिन लेके आऊंगा विदेश से, 1 रुपया लेके नहीं आया स्टेट बैंक को, चार दूर कौन लोग रोजगार देंगे, आपने देख लिया क्या किया, नोटबंदी जरूर कर दी, 1 साल में 1,000 के 500 के नोट बंद कर दिए, आज व्यापार ठप हो गए हैं, लोग मजदूरी मिल नहीं रही है, लोग मजदूरों को निकाल रहे हैं, हालात बड़े गंभीर रिश्ते भी हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं, और लाइनों में सबको लगा दिया, जो बहने माताएं कुछ पैसा बचाती है पति से, जो पैसे देते हैं उनको घर पे कोई बसा रखती है, अड़िए बड़े काम आ जाएगा, उसको निकलवा दिया उन्होंने, लाइनों में खड़ा कर दिया, 150 लोग मारे गए थे, 150 लोग कोई जाके उनके घर पर सवाल नहीं करी, भाई जो मरा है उनके घर की क्या तकलीफ है क्या नहीं, वो मतलब नहीं। संदेश दे रहे हैं ये भी और राहुल गांधी दे रहे हैं आपको संदेश, सब नौजवान बैठे एक साथ में, और ये संकेत है कि किस रूप में आप आने वाले वक्त में राहुल गांधी जी ने सोच समझ करके जाकिर भाई को आपके बीच में पुनः भेजा है उम्मीदवार बना के, इस उम्मीद के साथ में आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं, आपका शुभकामनाएं, आपके समर्थन सहयोग उनके साथ रहेगा। मैं आपसे अपील करूंगा कि चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़े, पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है कांग्रेस के पक्ष में, मैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर सब जगह जाके आया हूँ, आज मैं गया था सुबह बाड़मेर की तरफ, पाली की तरफ।